एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है वो क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वैल्यू किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू लेमडा ओके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी म्यू के इक्वल एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस सिक्स इक्वल विच इज इक्वल टू सिक्स तो अब हमें क्या करना है तो सी हमें चाहिए किसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा तो अब हमारे जो ऑप्शन है वो कब कब आते हैं हम पहले तो ये देखते हैं सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए चारों में मिनिमम क्या होता है तो जो हमारे पास में थर्टी सिक्स की पावर वन बाई थ्री होती है ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट थ्री के इक्वल और उसको जब नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है नाइन पॉइंट नाइन के इक्वल अप्रोक्सीमेटली अब अगर मैं यहाँ पे देखूं हमारे पास में और भी वैल्यूज है जीरो है वन है इलेवेन है, है ना? ये वैल्यूज पॉसिबल है तो इलेवन हमारी वैल्यू कब आती है जब क्या बोलते हैं मैं अपने रूट्स को ले लू, वन, थ्री। ये क्या हो जाए है हमारे पास में सी अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वन ले लू बीटा की वैल्यू टू ले लू एंड गामा की वैल्यू थ्री ले लू तो उस केस में मेरे पास में क्या होता है म्यू की वैल्यू कितनी आती है हमारा म्यू आ जाता है इक्वल टू इतना इलेवन ठीक है अब और यही अगर क्या बोलते हैं थ्री इंटू थर्टी सिक्स रिस्ट पावर हमारे पास में तो ये आता है हमारे हमारे पास पास में में होता है है तो आता ओके अब वन वैल्यू कब आती है यहां से देखते हैं तो वन वैल्यू आएगी हमारे पास में सी जब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू वट अल्फा हो जाए माइनस थ्री बीटा हो जाए यहाँ पे माइनस टू और गामा हो जाए इक्वल टू वन तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो अभी भी सिक्स है लेकिन अगर हम देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा की वैल्यू आ जाएगी उस केस में में म्यू आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू वन, ओके और मिनिमम वैल्यू कब आएगी म्यू की जब हमारे पास में अल्फा हो जाएगा इक्वल टू, टू थ्री बीटा हो जाए माइनस ऑफ टू एंड गामा हो जाए इक्वल गा टू माइनस ऑफ वन तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी म्यू की कहाँ तक जा रही है सी माइनस सिक्स माइनस वन कितने माइनस नाइन प्लस

पर हम देखेंगे हमारे पास में कौन सी दो चॉइसेस बची है सी और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई क्योंकि रूट पॉजिटिव है और हमने देखा कि हमारी वैल्यू क्या रही है वन कब आ रही है जब तीनों रूट सेम हो जाएंगे और हमें पता है ये चीज तो जब भी हमारे पास में सिमेट्रिकल फिगर होता है तो उसका क्या बोलते हैं वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है तो यहां से देखा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन पावर वन बाय थ्री जब तीनों रूट्स इक्वल होंगे